जैसे जैसे ग्राम पंचायतों के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी तरह से गाँव में जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच व पंचायत सदस्य के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। हर गांव में इन पदों के उम्मीदवारों ने लंगोट कस ली है। वे जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। चुनाव माहौल की बात करें तो मुख्यमंत्री के गोद लिए गाँव क्योड़क व आसपास के करीब एक दर्जन गाँव इस समय पूरे जिले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कारण, इन गाँवों में उम्मीदवारों द्वारा लगाया जा रहा एडी चोटी का जोर है। उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने व अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए न केवल मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं, बल्कि पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया व अन्य प्रचार माध्यमों में भी खूब खर्च कर रहे हैं। इन गाँवों में जाकर पता चलता है कि असली चुनाव तो यहीं पर चल रहा है, जहां गाँव में खंभों, दीवारों पर पोस्टर लगाने की जगह नहीं बची है। हम बात करें उम्मीदवारों की, इस क्षेत्र में सबसे पुराने एवं बड़े राजनीतिक घराने से युवा राव गौतम सिंह तंवर इस बार जिला परिषद सदस्य बनने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। किसी जमाने में उनके परदादा राव नरसिंह दास की इस क्षेत्र ही नहीं, करनाल, कुरुक्षेत्र व कई जिलों में तूती बोलती थी। उनके महज कहने भर से ही लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाते थे। उनके परिवार से राव गौतम सिंह तंवर के चाचा राव सुरेंद्र सिंह विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब राव गौतम सिंह जिला परिषद सदस्य बनकर अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जुगत में हैं। युवाओं का जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि युवा वर्ग ने उन्हें अपना नेता मान लिया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस क्षेत्र में आर्य समाज की एक मजबूत टीम पर्दे के पीछे राव गौतम सिंह तंवर के लिए काम कर रही है, जिस कारण उनका चुनावी अभियान शुरुआत में ही स्पीड पकड़ गया है। वे निश्चित तौर पर दिन ब दिन बढ़त बनाते जा रहे हैं। युवाओं में उनकी सौम्यता, समृद्ध परिवार में पैदा होने के बावजूद विनम्रता, बुजुर्गों, बड़ों व युवाओं, यहां तक कि बच्चों तक का सम्मान करने की उनकी आदत के कारण उनका कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनावी परिणाम तो बाद में ही पता चलेंगे, लेकिन राव गौतम सिंह तंवर ने पिछले कुछ समय में ही अपनी अलग पहचान बना ली है। उन्हीं के गांव से विकास तंवर भी सशक्त उम्मीदवार हैं। विकास तंवर के पिता कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेयरमैन रह चुके हैं। वहीं विकास तंवर ने पिछली बार भी यह चुनाव लड़ा था। वे उस समय ऑस्ट्रेलिया से आए थे, अब फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। उनका चुनावी प्रचार अभियान भी मजबूती से चल रहा है। उन्होंने पिछले दिनों टोल प्लाजा की समस्या हो या कुछ गांव में पानी की निकासी की समस्या, ऐसे मुद्दों पर काफ़ी काम करके प्रचार कमाया है। वे अब लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने का दावा कर लोगों का समर्थन जुटाने के प्रयास में हैं। काफ़ी संख्या में युवा वर्ग उनके साथ हैं। विकास तंवर विकास कार्यों में अपने अग्रेसिव स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं, जो लोगों की समस्याओं पर अग्रेसिव होकर उनका समाधान करवाकर उन्हें राहत दिलवाते हैं। विकास तंवर व राव गौतम सिंह तंवर में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। दोनों ही गुज्जर बिरादरी से आते हैं, दोनों ही भाजपा में हैं, इस कारण दोनों भाजपा का टिकट हासिल करने के लिए भी एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। देखना होगा कि भाजपा के समर्थन के मामले में कौन सा उम्मीदवार बाजी मारता है। आपको बता दें कि इस वार्ड में करीब 38,000 वोट हैं। गांव क्योड़क में ही करीब 12,000 के करीब वोट हैं। इसके अलावा इस वार्ड में गांव टीक, बरोट, बेगपुर, सोलू माजरा, खेड़ी रायवाली व रसूलपुर, गुज्जर बाहुल्य गांव हैं। वहीं खनौदा, जडोला व बंदराणा रोड बाहुल्य व पोबाला सिख बाहुल्य गांव हैं। इसके अलावा इस वार्ड में डेरा चांदीपुरिया भी आता है। उपरोक्त दो उम्मीदवारों के अलावा इस वार्ड में अभी तक जो नाम सुनने में आ रहे हैं, उनमें गुज्जर बिरादरी से ही गुरुदेव टीक का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं गांव बंदराणा से राम कुमार का नाम भी उम्मीदवारी की चर्चा में है। इसके अलावा क्योड़क से ही प्रदीप कुमार सोशल मीडिया पर बतौर उम्मीदवार सक्रिय नज़र आ रहे हैं। चुनावी समीकरण व चुनावी बिसात क्या होगी, यह तो नामांकन पत्र तय होने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल वार्ड 12 के दो उम्मीदवार राव गौतम सिंह तंवर व विकास तंवर न केवल इस वार्ड में बल्कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बने हुए हैं।